हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से जो बातें करने जा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस ग्रुप में, ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम तमाम जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो बड़े या छोटे किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके दिमाग में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आया होगा, या हम जानते होंगे, या जाने अनजाने हमारे कान तक गई होगी ये बातें। पिछले कुछ दिनों से जो हमारा बिजनेस है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, पिछले कुछ दिनों से जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं डाउन है, या आप ये बोलें हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। हमारा जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन नहीं है। हमारी जो बिजनेस है, जो हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, जिस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे थे, आज के डेट में वो एक गिरावट की तरफ ही हम जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट में एक उदासी का वातावरण है। जितने तमाम लोग हैं वो आज के डेट में, आप, मुझे नहीं लगता कि यदि आप किसी बिजनेस क्लास के लोग से बात करो या किसी भी बिजनेसमैन से आप बात करो तो कोई आपको ये बोले कि नहीं नहीं दे आर हैप्पी। कहीं ना कहीं एक समस्या है, और ये समस्या हम सभी के साथ है। जितने भी हम बिजनेस क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हम सभी लोगों के साथ हैं। एक तरफ जहां पे हम पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से अपनी समस्याओं को लेके परेशान हैं, वहीं पे मैं बड़ा सरप्राइज हूं, या आप सरप्राइज नहीं होते क्या कि ये जो अमेजन है, ये जो फ्लिपकार्ट है, ये किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हम गाजियाबाद में बैठ के या दिल्ली NCR में बैठ के हम यहां पे बात करते हैं कि मार्केट में बिजनेस नहीं है। किसी बिजनेसमैन से आप बात करो, दे आर जस्ट आस्किंग दैट वी डोंट हैव द बिजनेस, हाउ टू सर्वाइव, हम सर्वाइव कैसे करेंगे। मुश्किल यहां पे ये सर्वाइवल की समस्याएं हैं। और एक तरफ ये अमेजन, एक तरफ ये फ्लिपकार्ट, और ये जितने भी ऑनलाइन बिजनेस कैटेगरी वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी बिजनेस दिनों दिन रातों रात बढ़ती चली जा रही है। क्या ये बात कहीं हमें सोचने को मजबूर नहीं करता कि हमारा जो पुराना एक तरीका है, जो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है, जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। और हम सभी लोगों के लिए ये हमेशा एक बेहतर अप्रोच होगा कि हम जो जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, हमें उस डायरेक्शन में अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। हमें समझना होगा कि आने वाला मार्केट क्या है, आने वाले ट्रेंड्स क्या हैं। सर, वो जमाने चले गए जब हम बैठ के बिजनेस करते थे, लोग हमें सेठ जी करके बोला करते थे, 10 लोग आते थे, भाई सामान लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। सर, वो जमाना अब चला गया। आज के टाइम में बिजनेस का मतलब है इंटरनेट। और कहीं ना कहीं हमें इस बातों को समझना होगा। आप रेंट देते हो, आप अपने टाइम को इन्वॉल्व करते हो, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 24 घंटे आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है बिजनेस में, तमाम आप स्टाफ रखते हो, सारी बातें, और 4 कस्टमर्स के लिए हम परेशान होते हैं कि भाई दिन भर में हमारे पास 5 कस्टमर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, आप क्लिक करो, 2 दिन के बाद सामान आपके घर पर डिलीवरी हो जाती है। कितनी क्लिक होती हैं, आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड वाइड छोड़ दो, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम नहीं कर रहे हैं, आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया में कितने लोग एक बार में उस अमेजन को खोल के बैठते हैं या उस फ्लिपकार्ट को खोल के बैठते हैं। मैं सिर्फ यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में एक परेशानी रही है, हम ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से इट्स अप्रॉक्स मोर देन 20 ईयर्स मैं जुड़ा हुआ हूं। मैंने बिजनेस भी करा, आज भी कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, सारी बातें हैं, सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हमारा बिजनेस क्लास है, दे आर नॉट रेडी टू चेंज, वो अपने आप को बदलने को तो तैयार ही नहीं है। उनको तो वही चाहिए, अपना भाई दुकान खोला, अपने हम ऑफिस गए, अपने दुकान को खोला, लोग आए, चाय नाश्ता हुई, बातें हुई, 2-4 सामान बिका, फिर शाम में हम घर आ गए, और दिन भर इस बात को ही हम रोना रोते हैं कि
वी डोंट हैव द बिजनेस, मार्केट में बिजनेस नहीं है, मार्केट में लोग नहीं है। भाई मार्केट में लोग आएंगे कहाँ से? वो लोग तो अब क्लिक क्लिक करके काम कर रहे हैं अपना। नंबर वन, यदि आप चाहते हो कि हमें बिजनेस में सर्वाइव करनी है, यदि आप चाहते हो कि हमें भी तरक्की करनी है, कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की तरफ आना होगा। एंड यू नीड टू थिंक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे कई सारी हैं, कई बातें हैं जो अपने आप में हमें परेशान करती हैं, मैं उन सारे बातों के ऊपर डिस्कस करूँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझना होगा कि बिजनेस में यदि हमें सर्वाइव करनी है तो सर्वाइवल के लिए हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि अपने माइंड फ्रेम को हमें चेंज करना होगा। वी नीड टू थिंक इन द वे ऑफ लाइक डिजिटल मार्केटिंग। आज के डेट में हम ये क्यों सोचते हैं कि भाई घंटाघर में बैठ के जो कस्टमर आएगा हमने प्रोडक्ट दे दिया, दैट्स इट। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि गाजियाबाद में बैठ के यदि मैं कैलिफोर्निया से बिजनेस कर लूँ तो क्या बुराई है? गाजियाबाद में बैठ के यदि मुझे चेन्नई से ऑर्डर मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? कहीं ना कहीं हमें इन बातों को भी सोचना होगा। तो सबसे पहला काम जो मुझे लगता है, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो तमाम बिजनेस क्लास के लोग हैं जिनसे हमारी बातें होती हैं और बातों को करने के बाद जो मैं जिस कॉन्क्लूजन को लेके पहुंचा हूं कि हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि वो जमाने चले गए जब सेठ जी लोग बोला करते थे सर अब हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट की तरफ मूव करना होगा। अब बात यह आ जाती है भाई हम इंटरनेट की तरफ मूव करें कैसे? जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट करना होगा। अब आप बोलेंगे सर ये डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में, अब मैं आपको बताऊं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज के डेट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं सही बताऊं तो जितनी भी कंपनियां इन्वॉल्व हैं दे आर जस्ट लाइक मतलब वो पैसे बनाने में लगी हुई हैं, दैट्स इट। आपके बिजनेस से उनका बहुत कुछ लेना देना नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। जेन्यून लोग बहुत कम हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात के लिए कंसर्न है नहीं कि भाई हम आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। यदि आप बात करोगे उनसे तो मुझे पता है सर मैं बात करता हूँ, हमें भी अपने कई सारी चीज़ों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है तो मैं भी इन चीज़ों को लेकर बात करता हूँ। हाँ ये अलग बात है कि मेरे पास कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं कई सारी चीज़ों को जानता हूँ जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और यदि मैं एक नॉर्मल एक बिजनेस पर्सन की तरफ मैं सोचूँ तो हमारे लिए ये भाई हमें आपके तरफ से एक बात आ सकती है कि भाई हम किस तरीके से प्रोसीड करें। और भाई सीधी सी बात है आज के डेट में किसी के पास पैसा नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं, समथिंग दैट वी कैन डू। आपको पता है कि 100 रुपये में भी हम फेसबुक में एडवर्टाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आपको पता है कि 500 रुपये में भी हम बेहतर तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बात कोई भी डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग आपको नहीं बताएंगे। यदि आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो नोएडा में हैं, गाजियाबाद में हैं, दिल्ली में, आप उनसे बात करो तो वो तो छूटते के साथ ही बोलेंगे ओके वन मंथ का जो आपका चार्जेस होगा दैट यू नीड टू पे 35,000 रुपीज़। अब 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट हम क्यों पे करें बॉस? हमें पता नहीं कि उसका होना क्या है, देन वाई शुड वी गो लाइक दिस? तो अब आप अदिन बोलोगे कि भाई इसका सोल्यूशन तो बता दो, तब से तो इतनी सारी बातें आपने सुना दी, अब कुछ आप हमें सॉल्यूशन तो बताओ भाई हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करें। जी तो मैं यदि अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा, आप अपने बिजनेस का कम से कम एक छोटा सा वेबसाइट तो बनवा लो। यदि आपको बनाना आता है आप खुद बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके फैमिली में आपके बच्चे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के कोई बच्चे हों, आप किसी न किसी से एक छोटा सा वेबसाइट बना लो। एटलीस्ट आप 3 पेज 4 पेज 5 पेज का एक वेबसाइट तो बना लो। नंबर वन हमारा पहला डिजिटल मार्केटिंग में आने का तरीका यह है कि आप एक वेबसाइट बना लो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका वेबसाइट फ्लिपकार्ट ही हो, आपका वेबसाइट अमेजन ही हो, आप अपना एक वेबसाइट बना लें जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ ना करें, जो आपके प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिस्टिंग तो डाल दो।
आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर दिखा तो दो, एटलीस्ट आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपके जो डिटेल्स हैं, आपकी जो लोकेशंस हैं, आप उसको कम से कम विजिबल तो करो। तो सबसे पहला काम हमारा है कि भाई आप एक वेबसाइट बनाओ, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा जो हमारे पास तरीका है, देखो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के तरफ आती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जहाँ पे दुनिया भर के लोग अवेलेबल हैं, और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ बॉस, ये जो फेसबुक है ना, मैं इस फेसबुक की बात कर रहा हूँ। आप लिंक्डइन, ट्विटर और तमाम चीज़ों की लोग बात करेंगे, और ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे यदि बात करूं तो यदि मैं केवल फेसबुक को लेके ही अपनी प्रमोशंस को मैं स्टार्ट कर दूं, बिलीव मी आप देखोगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद चीज़ें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी, और सरप्राइजिंगली आप गाजियाबाद में बैठे बैठे यू आर गोइंग टू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द बैंगलोर, यू आर गोइंग टू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द दुबई। हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से चीज़ों को करना होगा। अब आप बोलोगे सर हम फेसबुक में मार्केटिंग को करें कैसे, अरे मैं बोलूं कि भाई आप मार्केटिंग करें कैसे, तो थोड़ा सा आप टाइम दो, थोड़ा सा आप फेसबुक एक्सप्लोर करो, यदि आप गूगल कर सकते हो तो गूगल करो, और यदि आप नहीं कर सकते हो तो किसी ऐसे बंदे की तलाश करो जो आपका काम इकोनॉमिकली चीज़ों को कर दे, जो आपके काम को सही तरीके से कर दे। और मैं आपको बताऊं, यदि मैं वेबसाइट बना लेता हूं, कुछ मैं पेजेज बना लेता हूं फेसबुक के अंदर, फेसबुक के अंदर मैं कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर देता हूं, उन इवेंट्स को जो हमारे पेजेज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, यदि उन प्रोडक्ट को मैं फेसबुक में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो बिजनेस ग्रुप, जैसे गाजियाबाद ग्रुप्स, आप जैसे जाओगे यहाँ पे सपोज कि इंद्रापुरम ग्रुप, आप जाओगे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, आप उन ग्रुप के अंदर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको आप शोकेस करना चालू करो। एटलीस्ट शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद मत करो, लेकिन कम से कम आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर जाने दो, प्रोजेक्ट को फ्लैश करो, और अपने जो ये सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म हैं, इन प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पेजों पे, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग ग्रुप में आप इसको शेयर करो। अब आप बोलोगे भाई चलो ठीक है भाई, मैंने वेबसाइट बना लिया, फेसबुक पे मैंने शेयर कर दिया, अब हमारा अगला स्टेप्स क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो अगले स्टेप्स हैं, वो अगले स्टेप्स के बारे में पहले आप इतना करें, उसके बाद मैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप्स है वो ये है, आपको क्या करना है, यू नीड टू डेवलप ए वेबसाइट। आप जरूरी नहीं है कि ये मैं सर आप ये जो ग्रुप है ना, जिस ग्रुप में आप इस वीडियो को सुन रहे हो या मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं भी इसी ग्रुप से मेंबर हूँ। ये तमाम जो मित्र बंधु लोग हैं हमारे इस ग्रुप में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे मित्र बंधु हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। तो मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन में इस चीज़ को मैंने भी झेला है, हमने भी देखा है। हमारी मैं भी सर कुछ बिजनेसेस में हूँ, मैं भी सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हूँ, मैं ट्रेडिंग के बिजनेस में हूँ, और मैंने भी देखा है कि हमारे बिजनेस में भी बड़ी उतार चढ़ाव रही हैं। और जब मैंने पिछले 4 महीने 5 महीने में जब हमें घर में टाइम मिला, हमने चीज़ों को एनालाइज करा कि कहाँ पे गलती करी हमने, तो जिस जब एनालाइज करा, कई सारे हमने रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि आज के डेट में आने वाले टाइम में यदि हमें सर्वाइव करनी है तो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की तरफ मूव करना होगा। इस चीज़ से हम आँख बंद नहीं कर सकते भाई। मैं बड़ा छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज सारी क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट हो गई, आज आपके घर में जो बच्चे हैं वो अभी लैपटॉप और मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है, तो जी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब आप जरा समझो सर, एक बच्चे के हाथ में भी लैपटॉप है, एक बच्चे के हाथ में भी कंप्यूटर है, आप समझते हो कि आने वाले टाइम में आपका जो वो जो बच्चा है वो आपके दुकान पर जाएगा? जी नहीं सर, वो दुकान पर नहीं जाएगा। इतने सारे ऑफर हैं, तमाम चीज़ें हैं कि वो क्लिक करेगा और ऑर्डर प्लेस होगी और उसके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको अपने बिजनेस को इंटरनेट पे ले जाना है। कई सारे मित्र बंधु हैं जो मुझे बताते हैं कि भाई उनका प्रोडक्ट जो है वो अमेजन पे लिस्टेड है या फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आप समझ रहे हो आपके तरह कितने बायर्स हैं जो वहां पे लिस्टेड हैं? आप ये समझ पा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट वहां पे आ भी रहा है डिस्प्ले में या नहीं आ रहा है?
जी कभी आप सर्च करके देखना कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसी है, अभी आ रही है अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने वेबसाइट्स को लेके, अपने पेजेस को लेके, अपने इवेंट्स को लेके उनको प्रमोट करो, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। आप विश्वास करें मेरी बातों को, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। अब जैसे ये जो हमारा ग्रुप है, मैं तो सही बताऊँ तो मैं बड़ा थैंक्सफुल हूँ इस पर्टिकुलर ग्रुप का। हालांकि कई बार मैंने इस ग्रुप को लिव भी करा है, छोड़ा भी है, लेकिन भाई बंधुओं ने फिर हमें ग्रुप में ऐड भी कर लिया है। बड़ा अच्छा बात है, बड़ी अच्छी चीज़ है जो लोगों ने हमें ऐड कर लिया। मैं आपको बताऊं, कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूं यार, कितनी चीज़ें आती हैं, लेकिन सही बताऊं ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हो सकता है आप दो बार चार बार इरिटेट होंगे, होता है, नथिंग रॉन्ग विद दैट भाई, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें एक ही चीज़ बार बार सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन तब भी कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो है जहाँ पे आप अपनी बातों को 100-200 हज़ार लोगों के बीच सर्कुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं 100-200 की बात नहीं कर रहा हूँ बॉस, मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात कर रहा हूँ। आप जरा सोचो कि आप अपना एक छोटा सा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अगर लाखों करोड़ों लोगों के पास करोगे तो लाखों करोड़ों में कम से कम 10 तो ऐसे होंगे, कम से कम 20 तो ऐसे होंगे, कम से कम 100 तो ऐसे होंगे जो हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमसे बात करेंगे। जी मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अब नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि भाई कई बार इस तरह की वीडियो को सुनना भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हमें लगता है यार ये तो ज्ञान दिया जा रहा है, ये तो हमें ही पता है। हाँ जी अच्छी बातें हैं सर, अच्छी बातें सबको पता होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है द फोकस, जो हमारा अटेंशन है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपके फोकस को लाना चाह रहा हूँ, आपके अटेंशंस को लाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा इस बातों को ध्यान दें, कहीं ना कहीं आपको डिजिटल वर्ल्ड में आना होगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू क्रिएट द वेबसाइट। अब आप बोलोगे सर वेबसाइट कैसे बनाना है, मैंने आपको बता दिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करें या मुझे बोलें कि आप वेबसाइट बनाओ। आप खुद से बना लें, आप अपने रिलेटिव से बनवा लें, अपने घर में आपके बच्चे होंगे उनसे बनवा लें, लेकिन देर मस्ट बी सम वेबसाइट, नंबर वन। नंबर टू, फेसबुक पे आप जाएं, फेसबुक में अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक में आप पेज बनाएं, कुछ इवेंट्स स्टार्ट करें। आप विश्वास करें 2-3 महीने के बाद यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, और आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इस काम को आप बेहतर करें, यदि आप कर सकते हैं तो थोड़े से कुछ अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ें। यदि आप कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट्स को थोड़ा सा बेहतर बनवाएं। यदि आप कर सकते हैं थोड़े से पैसे फेसबुक वगैरह पे भी खर्च करना शुरू करें। आप विश्वास करें वो दिन दूर नहीं जब आपके बिजनेस, हमारे बिजनेस को ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। जी तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। हो सकता है कि भाई कुछ लोग हमारे बातों से सहमत ना हो, उनको लगता हो यार क्या बोले जा रहा है। जी यदि आपको थोड़ी सी कोई परेशानी हो रही हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं हमारी बातों को। मुझे लगा ये हमारा अपना ग्रुप है जहाँ पे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, तो भाई मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूँ अपने इन चीज़ों को। थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो में यदि आपकी फरमाइश होगी, यदि ज़रूरत होगी आपको लगेगा, तो मैं और भी कई सारे टिप्स के साथ आऊँगा, कई सारे प्लानिंग के साथ आऊँगा। यदि आप मुझे बोलोगे तो मैं एक छोटा सा सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ आपसे, इस बात को आप प्लीज़, मैंने कभी नहीं बोला कि आप मुझसे वेबसाइट बनवा लें, मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग करवा लें। जी नहीं, ये आप खुद देखें कि क्या करना है, लेकिन जो भी चीज़ें होनी चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और जिसका मैक्सिमम रिजल्ट आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।